बात नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस अग्रवाल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पेंटिंग करेंगे एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर जो आप सभी का फेवरेट है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज हम पेपर पे नहीं, कैनवस पे नहीं, बल्कि एक इरेजर पे पेंटिंग करने वाले हैं। ये है हमारा वो इरेजर का बॉक्स जिस पर हम करने वाले हैं पेंटिंग। बॉक्स पे नहीं, इसके अंदर जो इरेजर है ना, उस पर पेंटिंग करेंगे। तो हम अप्सरा के इन छोटू छोटू से इरेजर के कई पीसेस को आपस में जोड़कर फिर इसके ऊपर बनाएंगे आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन। चलिए बिना देर करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरीके से इरेजर पर बनाने वाली हूँ पेंटिंग। तो ये है वो इरेजर जिस पर हम करने वाले हैं पेंटिंग। तो हम एक एक करके पहले इन सभी इरेजर के जो रैपर हैं उसको निकाल देंगे। तो मैंने इन सभी इरेजर के रैपर को निकाल दिया है। तो चलिए अब इसको एक एक करके अरेंज करते हैं। हमारा जो ये इरेजर है वो अरेंज हो गया है। मैंने यहाँ पे इरेजर के 8 पीसेस को ऐसे आपस में जोड़ दिया है। अब हम पेंसिल का यूज़ करके सबसे पहले इस पर बना लेते हैं अपने कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन का एक रफ स्केच। अब इसके बाद एक कलर की बारी। तो मैं इस पे यूज करने वाली हूँ ये एक्रेलिक कलर। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ पे कलर कर रही हूँ। हम एक साथ नहीं बल्कि इरेजर के एक एक पीस पर अलग अलग से कलर करेंगे। Thank you.
आउटलाइन के लिए इस ब्लैक जेल पेन का यूज़ करूँ जिसको मैंने मार्केट से केवल 5 रुपये का ख़रीदा था। यहाँ पे जो हमारा डोरेमोन है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है मुझे बहुत खाली खाली लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रेड कलर से बना दूँगी कुछ और हार्ट्स। डोरेमोन की पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा कार्टून कैरेक्टर बनाऊं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।